हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं रमेश आप सभी का इस वीडियो में स्वागत करता हूं। आईपीएल 2023 का प्लेऑफ का मुकाबला एलामेटर मैच खेला जाएगा लखनऊ सुपर जायंट्स वर्सेस मुंबई इंडियंस के बीच। यह मुकाबला 24 मई को शाम को 7:30 बजे। वेन्यू की बात करें तो एमए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में यह मुकाबला खेला जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइबर जरूर करना। जो भी टीम जीतेगी वो सीधे क्वालिफाई टू खेलने अहमदाबाद जाएगी। जो हारी हुई टीम वो रेस से बाहर हो जाएगी। इस वेन्यू की बात करें तो पिच रिपोर्ट एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेकपॉक की पिच की बात करें तो पिच काफ़ी धीमी और स्पिनरों को काफ़ी मददगार साबित हुई है। मैदान का डायमेंशन की बात करें तो काफ़ी बड़ी बाउंड्री है। एम ए चिदंबरम स्टेडियम चेन्नई में जो भी टॉस जीतेगी वो फील्डिंग करना करेगा, क्योंकि यहां दूसरी इनिंग में बैटिंग करना आसान हो जाता है। चेपॉक के एम ए चिदंबरम स्टेडियम में अभी तक कुल 74 मुकाबले खेले गए हैं। वहीं फर्स्ट बैटिंग करने वाली टीम ने 44 मैच जीते हैं, वहीं सेकंड बैटिंग करने वाली ने 30 मुकाबले जीते हैं। हाईएस्ट टोटल की बात करें तो 246 और लो स्कोर की बात करें तो 70 रन है। हेड टू हेड दोनों के बीच अभी तक 3 मुकाबले खेले गए हैं। एलएचजी वर्सेस एमआई, एलएचजी ने 3 मुकाबले वॉन किए हैं, वहीं लॉस एमआई ने 3। नो लिजर्ट नहीं। हाई स्कोर की बात करें तो एलएचजी ने 199 बनाए हैं, वहीं एमआई की बात करें तो 181 बनाए हैं। वहीं एलएचजी की बात करें तो लो स्कोर 168, वहीं एमआई की बात करें तो 132 रन। चेन्नई सुपर किंग्स वर्सेस गुजरात टाइटन के बीच ये लास्ट मुकाबला। पिच रिपोर्ट की बात करें तो मैथ्यू हेडन ने वन साइड 68 मीटर, दूसरी साइड 63 मीटर, सीधी बाउंड्री 78 मीटर। स्पिनर ड्रेसिंग रूम से अपने होंठ चाट रहे होंगे, यह सूखा है और निश्चित रूप से मुड़ेगा। ऐसे पिच है जो दोनों पक्षों में गुणवत्ता वाले स्पिनरों को भरपूर मदद करेगा। यह सूखा है और जैसे जैसे मैच आगे बढ़ेगा धीमा होगा। 170 रन विनिंग टोटल हो सकता है।